भोजपुर ओबी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां लेवाड़ गांव में दो किशोरी के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताते चले कि घटना होली के दिन की है, जब नया भोजपुर ओबी थाना क्षेत्र की एक किशोरी अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए कृष्णावरम थाना क्षेत्र के लेवाड़ गांव गई थी। वहीं के ही दो युवक उसके साथ दुष्कर्म की घिनौना वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद में किशोरी किसी तरह से अपने घर पहुंची तथा मामले की जानकारी घर वालों को दी। जानकारी के मुताबिक किशोरी की सहेली तथा आरोपियों के परिजनों के दबाव और लोक लाज का हवाला देते हुए बात को खत्म कर देने का प्रयास किया गया था। इस बीच दुष्कर्म पीड़ित किशोरी की हालत ज़्यादा खराब होने पर पीड़ा से किशोरी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। किशोरी की हालत को देखते हुए परिजनों द्वारा मामले की प्राथमिकी दर्ज कराना पड़ा। इतने दिनों से लगातार दबाव तथा लोक लीपापोती के चक्कर में कई तरह के लोग लगे रहे। बक्सर के सिविल सर्जन के लाल ने कहा कि पीड़ित की मेडिकल जांच की गई है, रिपोर्ट पुलिस को भेज दिया जाएगा। बक्सर से संजय उपाध्याय के साथ राज रंजन की रिपोर्ट। हुआ था और आज मेडिकल जांच किया गया है, क्या मामला है? मामला है कि उसका जांच हो गया है, जांच के बाद जो जो रिपोर्ट आएगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जांच के बाद क्या पुलिस को सौंप दिया गया है? इलाजरत है महिला? नहीं, वो हम सदर अस्पताल से पता लगा लेते हैं क्या है नहीं है, उसके बाद जैसा होगा उसको। अच्छा, गलत किया था? हाँ, करो वाला सिया ये लेके आनु आ हमारा के डर रही है।